नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टी सर्टिफाइड चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऑप्शन चेन पार्ट टू के बारे में चर्चा करेंगे, ऑप्शन चेन के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड किया था, अब ये पार्ट टू वीडियो अपलोड करूंगा और इसमें काफी सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा आप सबको। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, कमोडिटी ऑल सेगमेंट के गोल्ड फ्री मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूं, 9:15 से 3:15 तक मेरा साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी दिया था कि ये जो कॉल राइट होता है और पुट राइट होता है, ठीक है, कॉल को जब सेल करते हैं तो कैसे समझना है, कैसे आप समझेंगे कि कॉल को सेल कर रहे हैं अभी और कॉल में सेलिंग ज्यादा हो रहा है, और पुट में अगर सेलिंग हो रहा है तो कैसे आप समझेंगे कि पुट में सेलिंग ज्यादा हो रहा है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा सेलिंग हो रहा है, यानी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने राइट साइड में कॉल की बारे में कुछ जानकारी दिए थे और आप लोगों को मैंने ये भी जानकारी दिए थे, ये भी प्रूफ दिए थे कि कॉल राइट जो कहते हैं सिर्फ वहां पर कॉल राइटर्स नहीं होता है, वहां पर कॉल बायर्स भी होता है, और पुट साइड में जो है सिर्फ पुट राइटर्स नहीं होता है, पुट बायर्स भी होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं पुट साइड का दिखाऊंगा कि पुट साइड में आप लोग कैसे समझेंगे कि पुट में सिर्फ सेल नहीं हो रहा, पुट में बाय भी हो रहा है, ठीक है, और कितने परसेंट के हिसाब से बायर सेलर्स हो सकते हैं, वो पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर ओआई लिखा है, यानी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पर आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और यहाँ पर कॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सारे डाटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है सभी कॉल्स का डाटा है। बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिड पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर सभी जो है स्ट्राइक प्राइस है, यानी कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आज की डेट में ट्रेड हो रहे हैं वो सभी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए पुट राइट साइड में, तो यहाँ पर जितने सारे डाटा है वो सभी पुट का डाटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वॉल्यूम, नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर आईवी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये जानकारी हम सबको मिल चुका है। अब चलिए पिछले वीडियो में मैंने क्या जानकारी दिया था आप लोगों को, देखिए सभी कहते हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए ये जो येलो कलर का बॉक्स है कॉल साइड में, ये कॉल इन द मनी है, ठीक है, और पुट साइड में जो येलो कलर का बॉक्स है ये पुट इन द मनी है। और यहाँ पर कॉल साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बॉक्स है जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है ये सभी क्या है, कॉल आउट द मनी है, ठीक है फ्रेंड्स, कॉल आउट द मनी है, ये समझ लीजिए आप लोग, कॉल आउट द मनी है। और इस साइड में जितने सारे डाटा है पुट साइड में व्हाइट बॉक्स में ये सभी पुट आउट द मनी है। तो यहाँ पर देखिए कॉल इन द मनी, पुट इन द मनी, कॉल आउट द मनी, पुट आउट द मनी, तो ये हो गया, ठीक है। तो सेल कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, सेलिंग जो बनते हैं कॉल में तो वो होता है फ्रेंड्स आउट द मनी में। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे हैं व्हाइट बॉक्स में जितने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, इस सभी स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है, कॉल सेलिंग हो रहा है यानी कॉल राइटिंग हो रहा है, यानी मैक्सिमम ट्रेडर जो है कॉल को सेल कर रहे। तो यहाँ पर जितने सारे डाटा है जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड क्या हो रहा है, सेलिंग बन रही है, और यहाँ पर व्हाइट बॉक्स में पुट साइड में जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है सभी स्ट्राइक प्राइस में पुट सेलिंग हो रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दिया था कि ये गलत है, पुट साइड आउट द मनी सिर्फ सेलिंग बन रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कॉल साइड आउट द मनी सिर्फ सेलिंग पोजीशन बन रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कैसे समझेंगे किस स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग हो रहा है और किस स्ट्राइक प्राइस में बाइंग हो रहा है, और कितने परसेंटेज बायर हो सकते हैं और कितने परसेंटेज सेलर हो सकते हैं कॉल आउट द मनी और पुट आउट द मनी में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए आप लोग कि जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 7,72,500, ठीक है, जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्राइस डिक्रीज होता है तो आप लोग ये श्योर हो जाओ कि 11,600 की स्ट्राइक प्राइस जो है इसमें सेलिंग बन रहा है, यानी कॉल राइटर्स इसमें ज्यादा है और कॉल को राइट कर रहे यानी कॉल को सेल कर रहे हैं। आप बाई करोगे लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर 11,600 की स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे, ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर 7,72,500 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी नए तरीके से नया ऐड हुआ है 7,72,000, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 18,22,125 है और नया ऐड कितने हुआ है, नया ऐड हुआ है 7,72,000। तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो और प्राइस डिक्रीज हो उसका मतलब कॉल को सेल कर रहे हैं वो भी आउट द मनी, यहाँ पर व्हाइट बॉक्स में जो है आउट द मनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि आउट द मनी में सिर्फ सेल नहीं बाय भी होता है,
तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे आपको समझना है कि कॉल आउट द मनी में भी बाइंग पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पर जो है 7,72,000 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और 26 पॉइंट डिक्रीज हुआ, उसका मतलब कॉल को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 80% बायर्स और 20% सेलर्स, 80% सेलर से और 20% बायर्स है, क्योंकि 80% ट्रेडर्स ने सेल किया लेकिन 20% ट्रेडर्स ने बाय भी किया है, क्योंकि आप भी बाय कर सकते हैं, मैं भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम तो बायर्स में शामिल है, तो इसलिए जब ऐसा होता है तो आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि 80% सेलर से 20% बायर से। अब हम बात करेंगे पुट साइड, ठीक है। पुट आउट द मनी को देखिए, यहाँ पर पुट आउट द मनी है जितने सर व्हाइट बॉक्स में है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कितना है, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है 12 लाख, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग, इसको मैं यार दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12,07,000, ठीक है, 12,07,050 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कितना हुआ है 42,675। तो ओपन इंटरेस्ट नया ऐड हुआ है 42,675, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, उसका मतलब क्या होता है? ये तो आउट द मनी है ना, पुट आउट द मनी, तो इसमें सेलिंग पोजीशन बन रहा है क्या, कॉल पुट राइट बन रहा है क्या? नहीं, ये झूठ है। झूठ कहने का मतलब ये गलत स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि जब आउट द मनी में, पुट आउट द मनी में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्राइस भी इंक्रीज होता है, उसका मतलब है कि पुट बुलिश है। पुट बुलिश मतलब मार्केट गिरेगा और पुट साइड में सबसे ज्यादा बाय हो रहा है, और पुट बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पर जो है 80% बायर से और 20% सेलर से, ठीक है। जब पुट आउट द मनी में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, जब पुट आउट द मनी में, नोट करके रखिए, जब पुट आउट द मनी में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्राइस भी इंक्रीज होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट बियरिश है, यानी पुट बुलिश है। पुट को अगर आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 80% बायर से, पुट बायर से, और 20% पुट सेलर से। कुछ ट्रेडर सोचेंगे नहीं, मार्केट टूटेगा, मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वहां पर जाके फिर गिरेगा, तो मैं पुट को सेल करूंगा। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर जो है 80% ट्रेडर्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 80% ट्रेडर 60% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, 55% भी हो सकते हैं, 80% भी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, तो उसका मतलब 11,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें सबसे ज्यादा पुट बाय हो रहा है, पुट को, पुट सेल कम हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड जहां पर है वहां पर हम जाएंगे, यानी ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर 80% बायर से पुट में, तो मैं भी बाय करूंगा, आप भी बाय करो, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन पुट आउट द मनी में किस में अभी सेलिंग पोजीशन बन रहा है, यानी पुट राइट हो रहा है, तो ये भी मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग एक बार देखिए, यहाँ पर 4,70,000 का कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और 49,950 का क्या है फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो फिर से समझिएगा, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 4,70,000 है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 49,950 है, 49,000 है। तो यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और प्राइस डिक्रीज हुआ। तो पुट आउट द मनी में जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, जब पुट आउट द मनी में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्राइस डिक्रीज होता है, तो आप ये समझ लो कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में पुट राइट हो रहा है, यानी पुट को सेल कर रहे हैं, तो आप पुट को बाय मत करो। जैसे कि 11,200 की स्ट्राइक प्राइस जो है, इसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और प्राइस डिक्रीज हुआ, तो 11,200 की पुट में सेलिंग बन रही, यानी पुट राइट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 11,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें पुट बाय हो रहा है, तो इसमें बाय हो रहा है तो आप बाय करो, और इसमें पुट राइटिंग हो रहा है, यानी पुट सेल कर रहे हैं, तो आप भी पुट सेल करो, क्योंकि यहाँ पर 80% सेलर्स हो सकता है और 20% बायर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, फिर से देखिए, यहाँ पर -0.65 पॉइंट है, यानी 65 पैसे की डिक्रीज है सिर्फ। तो यहाँ पर 50-50 हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन चल रहा है। अगर इसमें कंपटीशन ना होता, अगर यहाँ पर सेलर ज्यादा होता 80%, तो ये जो प्राइस है 60 पैसा माइनस है, ये और भी ज्यादा होता, 10 रुपए हो सकते हैं, 5 रुपए हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है 2.80 रुपए, तो 2.80 रुपए की प्रीमियम में -0.65। तो यहाँ पर आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि 80% सेलर से, 20% बायर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि कॉल आउट द मनी में सिर्फ कॉल राइट नहीं होता है और पुट आउट द मनी में सिर्फ पुट राइट नहीं होता है।
कॉल आउट द मनी में कॉल बाय भी होता है और कॉल राइट भी होता है, पुट आउट द मनी में पुट बाय भी होता है और राइट भी होता है। तो चलिए और कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 11,500 का जो है, यहाँ पर 11,500 का स्ट्राइक प्राइस, इसको देखिए आप लोग, इसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, तो इसमें आप बाइंग पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को भी आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को अगर आप लोग देखे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, 11,450, ठीक है, 11,450, 11,500, 11,550, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में जो बाइंग पोजीशन बन रहा है, नेक्स्ट 11,400 की स्ट्राइक प्राइस में भी, ठीक है, आउट। तो फ्रेंड्स इन चारों स्ट्राइक प्राइस में क्या बना है, इन चारों स्ट्राइक प्राइस में आउट द मनी में बाइंग पोजीशन बने हैं, ठीक है। और बाकी जो ऊपर की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है यानी नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर 11,350, 11,300, 11,250, इसमें जो सभी जो है पुट राइट हो रहे थे, पुट को सेल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कॉल साइड, ठीक है। कॉल साइड अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जितने सारे स्ट्राइक प्राइस इन सभी में जो है कॉल को सेल कर रहे हैं आउट द मनी, और इन द मनी में भी देखिए यहाँ पर कॉल को सेल कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो एक आप लोगों को दिखाई दे रहा है 27 रुपए पॉजिटिव में, देखिए 27 रुपए पॉजिटिव में है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज है और प्राइस भी इंक्रीज, तो 11,000 की स्ट्राइक प्राइस में बाइंग पोजीशन बन रहा है और बाकी में सेलिंग पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ मैं, तो पार्ट थ्री वीडियो में और भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी, कैश, कमोडिटी और सभी के अकाउंट नहीं मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।